हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिव एक खोज पे। और फाइनली हम पहुंच चुके हैं उज्जैन महाकालेश्वर की नगरी में। सुबह के बज चुके हैं 2:30, रात को हमारी ट्रेन थी 11 बजे, हम भोपाल से चले थे और अभी हम पहुंचे हैं यहाँ पे 2:30 बजे। ट्रेन ने हमें पहुंचा दिया पहले ही। तो अब सबसे पहले हम जाएंगे शिप्रा घाट पे, वहाँ स्नान करेंगे और उसके बाद फिर मंदिर में पूजा अर्चना के लिए जाएंगे। सोमवार का दिन आज और भीड़ बहुत ज़्यादा होगी। तो अभी हम यहाँ से निकले हैं पैदल ही, क्योंकि यहाँ से जो मंदिर है वो पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, 2 किलोमीटर का। आप पैदल भी ट्रैवल कर सकते हो और अगर आप यहाँ से ऑटो वगैरह लेते हो तो 20 रुपये में ऑटो आपको मंदिर के पास पहुँचा देगा। तो सुबह का समय है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, हवा अच्छी चल रही है, तो हम अभी पैदल ही निकल पड़े हैं। तो घूमते फिरते पहुँच जाएँगे और फिर आपको कराते हैं मंदिर के दर्शन। यहाँ से 20 रुपये में आप आ सकते हो और अगर पैदल चलने की इच्छा है तो 2 किलोमीटर आप पैदल चल सकते हो। तो चलिए देखते हैं आगे। जय भोलेनाथ की। चल चल चल, अपने सामान को लावारिस न छोड़े, घाट एवं पुल पर खड़े होकर चौकी न ले, घाट पर वाहन जाना सख्त मना है, अपने वाहन घाट को दूर पार कर, पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए। सुबह के बज चुके हैं 4 और हम पहुंच चुके हैं घाट पे। नदी में पानी गहरा है। जय भोलेनाथ की दोस्तों। सुबह के बज चुके 4 और हमने यहाँ पे कर लिया स्नान। यहाँ पे अभी लाइट नहीं थी, अंधेरा बहुत था, इसलिए मैं आपको यहाँ की वीडियो नहीं दिखा पाया हूँ। मैं आपको नदी दिखा देता हूँ। ये है अति पावन और पवित्र शिप्रा नदी। अभी सुबह के 3:30 बजे हैं तो लाइट बहुत कम है। तो ये घाट है यहाँ पे और ये घाट में लोग स्नान कर रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हमने स्नान कर लिया है क्योंकि आज सोमवार है तो भीड़ ज़्यादा होगी। आज सोमवार है, भीड़ ज़्यादा होगी, इसलिए हम जल्दी से यहाँ से फ्री होकर दर्शन के लिए जा रहे हैं, क्योंकि आगे भी बहुत लंबी लाइन मिलने वाली है। तो घाट यहाँ से 3 किलोमीटर है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो यहाँ से ऑटो वगैरह आते हैं ऑटो से ही आएँ, क्योंकि इतना दूर अगर आप चल के आओगे, हम चले फिर हमें लगा कि नहीं हमें टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, तो हमने 20 रुपये में वहाँ से रेलवे स्टेशन से घाट तक के, राम घाट तक के 20 रुपये में हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। 10 से 15 मिनट में यहाँ पहुँच गए हैं। तो आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ आएँ और घाट पे आएँ जल्दी से, और सुबह के जो दर्शन है वो सबसे पहले करें। तो चलिए जैसे भी होगा आपको आगे दिखाते हैं। जय भोलेनाथ की दोस्तों। अभी पहुंच चुके हैं मंदिर परिसर में और यहां से हमने ले लिया प्रसाद। 100 रुपये का प्रसाद है और भीड़ बहुत ज़्यादा है। सावन का महीना, आप देख सकते हो मेरे पीछे कितनी भीड़ हो रही है। तो अभी हम जा रहे हैं मंदिर की ओर, सामान हमने रख दिया है और अभी भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो जाके देखते हैं। अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो सबसे पहले अपना होटल बुक करके आएँ, 500 रुपये में ऑनलाइन होटल यहाँ पर मिल जाता है। अगर आप आओगे तो आपको बहुत कॉस्टली मिलेगा। लोकल रूम जो है वो मंदिर के पास में है, पर भीड़ ज़्यादा है तो हम वहाँ पे जा नहीं पा रहे। तो आपसे ये सजेस्ट करूँगा कि पहले अपना सामान का प्रबंध करके नहा के फिर आप मंदिर के लिए आए। जय भोलेनाथ की। तो दोस्तों लाइन में लग चुके हैं अभी। जयकारा बीच बजरंगे, हर हर महादेव। दोस्तों पहुंच गए हैं मंदिर परिसर में और आपको दिखा रहा हूं अंदर की वीडियो।
दोस्तों ये देख सकते हो आप, वाह श्री का हाल। तो दोस्तों मंदिर के प्रथम दर्शन आपको लाइन में से हो जाएंगे। ये जो आप सामने मंदिर देख रहे हो ये मंदिर के प्रथम दर्शन है, और यहीं से आप दर्शन करके सीधा मंदिर परिसर में चले जाओगे और वहां से आपका जो है माथा टिक जाएगा। वहां फ़ोन अलाउड नहीं है, तो यहीं से आप अपनी फ़ोटो वीडियो जो भी लेना चाहते ले लीजिए, क्योंकि उसके बाद आपको धक्का मार के आगे कर दिया जाएगा। तो दोस्तों अभी आप देख रहे हो सामने गर्भ गुफा, और भीड़ ज़्यादा होने की वजह से मंदिर के जो दर्शन है वो बहुत ही दूर से कराए जा रहे हैं, क्योंकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा है और हमने यहीं पे दर्शन किए हैं। ऊपर से ये जो आप सामने स्क्रीन देख रहे हो यहाँ पे महाकालेश्वर जी के दर्शन हो रहे हैं, और मैं आपको दिखाऊँगा थोड़ा सा जूम करके, सामने आपको भोलेनाथ जी के दर्शन होंगे। जो ध्यान से देखिए, क्योंकि 30 सेकंड का समय मिला हमें और उसके बाद धक्का मार के आगे कर दिया गया है। तो ये देखिए अंदर गर्भ गुफा में। जय भोलेनाथ, जय हो। तो बांध रहे लोग, इतनी देर तक दर्शन हो गया, पहले खड़े खड़े बाहर चार आधा घंटा कर दे रहे हो दर्शन। जय भोलेनाथ की दोस्तों। तो फाइनली हमने यहाँ पे माथा टेक लिया है, भीड़ बहुत ज़्यादा थी और अभी हम दर्शन करके बाहर आ गए हैं। ये देख सकते हो आप, मेरे पीछे भी बहुत लंबी लाइन है और बहुत ज़्यादा भीड़ है अभी भी। तो हमारे तो माथा टेक गया सावन में, हमने तो माथा टेक लिया है, आप भी आना चाहते हो तो माथा टेक के। जय भोलेनाथ की। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर आपको हमारी उज्जैन महाकालेश्वर की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही प्यार देते रहें। इसके बाद मैं आपको लेके जाऊंगा ओमकारेश्वर मंदिर के, वहाँ के दर्शन कराऊंगा और पूरा मंदिर आपको दिखाऊंगा, महाकाल लोक के दर्शन कराऊंगा। तो चैनल पर बने रहें। जय भोलेनाथ।